हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे बहुत ही टेस्टी यम्मी सा पिज़्ज़ा, जिसका फ्लेवर रहेगा पनीर टिक्का चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। ये डबल लेयर वाला पिज़्ज़ा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और पूरा वीडियो देखें कि ये किस तरह मैंने बनाया है। पूरा इसका बेस बनाने से लेके ऊपर की सब कुछ आप पूरा देखिए आप अच्छे से। मैंने थोड़ा चीज़ का यूज़ यहाँ कम किया है, लेकिन आपको चीज़ बहुत पसंद हो तो आप ज़्यादा डालिए। जहाँ जहाँ मैंने चीज़ डाला है, दो लेयर वाला ये पिज़्ज़ा है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, प्लीज़ पूरा अच्छे से देखिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है कि एकदम लुकवार्म जो रहता है, एकदम हल्का गर्म पानी हमें चाहिए। इसमें शक्कर मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़े से ईस्ट, 1/4 छोटे चम्मच जितना ईस्ट इसमें डालना है। पानी इतना गर्म हो, जिस तरह हम दही जमाते तो दूध गर्म करते, उतना गर्म हमें पानी चाहिए। और इसको हमें छोड़ देना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईस्ट का फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्मेंट नहीं होता है तो आपका जो बेस है, आप आटा भी गूंद लेंगे तो फूलेगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप फर्मेंटेशन देख रहे हो किस तरह हो रहा है, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह फर्मेंट हो रहा है। तो इस तरह अगर आपका घोल अगर फर्मेंट हो रहा है तो ही आप आगे की प्रोसेस कीजिए, नहीं तो नहीं। और ये बिल्कुल अब रेडी है, तो चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, छान लिया है मैदे को। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, आधे छोटे चम्मच जितना, और जो हमारा जो घोल था फर्मेंट हुआ वो भी इसमें ऐड करेंगे। या मैंने थोड़ा मिक्स हर्ब लिया है फ्लेवर के लिए, वैसे तो नहीं डलता इसमें लेकिन मैं डाल रही हूँ, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा बेस का। और ये जो घोल हमारा तैयार था फर्मेंट किया हुआ, वो इसमें पूरा डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सॉफ्ट सा चिपचिपा सा डो हमें तैयार करना है। आटा गूंदना है, चिपचिपा होना चाहिए आटा हमारा। तो यह मेरा आटा गूंदना हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा तेल लगा के इसकी मसाज कर रही हूँ मैं। तेल लगा के अच्छे से इसको दबाना है, से हमें रेस्ट करने के लिए भी देना रहेगा। आप चाहे तो 1-2 घंटा रेस्ट करने दें, या चाहे तो 1 दिन पहले आप आटा गूंद लें और नेक्स्ट डे आप बनाइए। इस तरह से मैंने राउंड राउंड इसको किया है, आप देख सकते हो किस तरह मैं कर रही हूँ। और इसको रखना है, थोड़ा सा तेल मैंने लगा दिया है और जस्ट हल्का सा गीला कपड़ा है, ज़्यादा गीला नहीं है, थोड़ा सा गीला कपड़ा, और ढक के मैंने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था इसे 1 घंटे के लिए। माइक्रोवेव गर्म रहता है तो ये 1 घंटे के बाद बहुत ही अच्छा फर्मेंट हुआ है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा फूला है आटा हमारा। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा फूला है, बहुत बढ़िया बना है। तो ये सब है ईस्ट की वजह से, ईस्ट हमारा अच्छे से फर्मेंट हुआ था, इसलिए हमारा आटा जो है बहुत अच्छा बना है। इसको थोड़ा सा हल्का सा और मसाज कर लेते हैं, हाथ पे थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया, चिपचिपा हो रहा था। तो अब जल्दी से पनीर टिक्के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर मैंने लिया है, थोड़ा सा ओनियन पाउडर लिया है। आपके पास नहीं हो तो आप बारीक काट के भी ले सकते हो। यहाँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक और जस्ट थोड़ा सा गरम मसाला। पनीर के पीसेस को हमें सेकना है, तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। पैन में 1 चम्मच मैंने तेल का लिया है, इसमें मसाला डाल देती हूँ। तेल को बिल्कुल अभी मैंने गर्म नहीं किया है, इस मसाले को मिक्स कर देंगे, पनीर डाल देंगे और फिर गैस ऑन करके इसको हमें जस्ट थोड़ा सा भुनना है, पनीर को सेकना है। तो ये हमारा पनीर टिक्का रेडी हो जाएगा पिज़्ज़ा के लिए। तो पनीर को अच्छे से 2 मिनट तेज़ आंच पे मैं इसको सेक रही हूँ, ताकि अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए, एकदम टिक्के जैसा टेस्ट आए इसका। तो मेरा पनीर सेकना हो चुका है, देख रहे हो बढ़िया मस्त हो चुका है। तो चलिए इसको मैंने साइड में कर दिया। यहाँ मैंने थोड़ा सा मकई का आटा छिड़क दिया है, और जो हमारा आटा था फर्मेंट किया हुआ, इसके 2 पीसेस हम करेंगे, एक बड़ा और एक थोड़ा सा उससे छोटा। तो 2 पीस में मैं आटे को डिवाइड कर रही हूँ, और सबसे बड़ा जो पीस रहेगा वो पहले लेके और उसको हम बेलेंगे। ये बहुत ही बड़ा वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, बड़ी साइज़ का बना रहे हैं, और स्पेशली हम गैस पर बना रहे हैं इसे, हम कोई माइक्रोवेव में नहीं बना रहे। गैस पर ये पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगी, आप पूरा वीडियो देखिए। थोड़ा ऊपर से मकई का आटा मैंने छिड़क लिया, मकई के आटे से अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा नीचे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, इस तरह बनाइए। थोड़ा मैं हाथ से प्रेस करते हुए ही इसको फैला रही हूँ, फिर थोड़ा सा बेलन से हम इसको बेलेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमें बेलना है, क्योंकि अंदर बबल्स एकदम रहते हैं। बहुत ही अच्छा फर्मेंट हुआ है आटा, बहुत अच्छा बना है। ये मैंने देखिए पूरा बेल लिया है, और ये बेकिंग ट्रे जो रहती है, अगर आपके पास नहीं होता, बड़ी सी थाली भी आप ले सकते हो, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और ये इसमें मैं रख दूंगी। इसको अच्छे से मैंने फैला दिया है,
बढ़िया से सेट कर दिया। जितनी मेरी बेकिंग ट्रे है उस पर मैंने सेट कर लिया। आप थाली भी ले सकते हो इसकी जगह पे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फॉक से मैं छेद छेद कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये सिके गैस पर। तो ये हो गया। अभी दूसरा बेस ले लेते हैं हम लोग। मकई का आटा सेम प्रोसेस से वैसे ही करेंगे। मकई का आटा छिड़केंगे और दूसरा वाला बेनेंगे। दूसरा वाला इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा साइज में। ऊपर से भी थोड़ा मकई का आटा डाल के बेलन से ही मैं इसको बेल रही हूँ। और बिल्कुल लाइट हाथ से इसको बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें। तो उस वाले से ये थोड़ा सा छोटा। अब बड़ा वाला पीस ले लेते हैं। इसके ऊपर हमें चीज़ डालना है, तो थोड़ा सा मैंने चीज़ क्यूब यहाँ पे पीसेस करके डाला है और थोड़ा मोज़रेला चीज़ यहाँ पे डाल रही हूँ। मैं थोड़ा चीज़ का यूज़ कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को थोड़ा चीज़ कम पसंद है। तो आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप प्लीज़ जितना मैं डाल रही हूँ उसे डबल ट्रिपल आप चीज़ डाल सकते हो। अगर आपको बिल्कुल चीज़ बर्स्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ इसे निकलता हुआ दिखना है, अच्छा लगता है आपको, तो आप बिल्कुल डबल इससे डाल सकते हो। मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। तो यहाँ मेरा चीज़ डालना हो चुका है। इसके ऊपर हम रख देते हैं जो हमने छोटी लेयर बनाई थी, इसके ऊपर एकदम सेट कर देंगे। बिल्कुल आराम से। और फिर जो बड़ी लेयर है उसको हमें छोटी लेयर के साथ मिक्स करना है, चिपकाना है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी का घोल, पानी जस्ट है, नॉर्मल पानी है, इसको मैं लगा रही हूँ और चिपका दे रही हूँ। तो ये बड़ी और छोटी लेयर मिक्स हो जाएगी। अंदर से चीज़ भरा हुआ है। आप एकदम ज़्यादा डालिएगा अगर आपको पसंद हो तो। जब आप कट करोगे इसको बनने के बाद तो ये बहुत अंदर से चीज़ एकदम बहते हुए दिखेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब टॉपिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है जिसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। 2 चम्मच लगभग पिज़्ज़ा सॉस के ले रही हूँ मैं। टॉपिंग सब बाहर वाली रेडीमेड है, बिल्कुल आप ये लेके रखिए, बहुत जल्दी से बन जाती है। कोई घर पर झंझट नहीं है सॉसेस बनाने की, बस ये पड़ी रहे और जल्दी से बना लो आप। और शेजवान चटनी ले लेंगे 2 चम्मच। तो इस ये बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है शेजवान चटनी, स्पाइसी रहती है, सब घरों में तो रहती है हमेशा शेजवान चटनी, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये भी मैंने लगा लिया। यहाँ पे ले रही हूँ मैं हरीसा सॉस, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इसका पिज्ज़ा में। तो आप ये ज़रूर लीजिए और ट्राई कीजिए हरीसा सॉस। इसको भी मैंने फैला दिया 2 चम्मच जितना मैंने इसको भी लिया था। तो ये सॉसेस का काम हो चुका है। तो अभी टॉपिंग करेंगे। तो यहाँ मैं प्याज के ऐसे बड़े बड़े पीसेस ले रही हूँ, एकदम सिंगल सिंगल लेयर वाले पीसेस हैं ये। इनको अच्छे से सजा देंगे। आपको जो सब्ज़ी आप पसंद आए आप वो इसमें लगाइए। थोड़ी सी शिमला मिर्च लंबे लंबे कटे हुए बारीक बारीक से, इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। तो शिमला मिर्च हो गया। थोड़े मैं टमाटर के टुकड़े ले रही हूँ, पीसेस मैंने किए थे बड़े बड़े, उसको भी सेट कर देंगे। और ये जो हमने पनीर टिक्का सेका था उसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। तो जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो आप टॉपिंग में रखिए। आप चाहे तो मशरूम भी सेक के इस तरह लगा सकते हो पनीर के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा वो भी। अब इसके ऊपर लगा देते हैं मोज़रेला चीज़। तो चीज़ का यूज़ जैसे मैं पहले बताया था आपको कि मैंने कम किया है, आप बिल्कुल डबल कीजिए आपको चीज़ पसंद हो तो, क्योंकि सब बच्चों को पसंद ही रहती है, बट मेरे बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद है चीज़, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची भी इसके ऊपर स्प्रेड की है और साइड से मैं ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, मेल्टेड बटर। तो ब्रशिंग कर लेंगे साइड से। और यहाँ मैंने गैस पर बड़ा सा पतीला रखा था जिसमें अक्सर मैं केक बनाती हूँ, नीचे से जाली रखी है। और इसको ढक कर हमें पकाना है धीमी आंच पे बिल्कुल 12 मिनट के लिए। और पतीले को मैंने 5 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। तो 12 मिनट के बाद आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत यम्मी लग रहा है, चीज़ अच्छा मेल्ट हुआ है, बहुत अच्छे से फूला है हमारा पिज़्ज़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये बिल्कुल बाहर की लेयर ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, यम्मी लग रहा है। और नीचे से भी क्रिस्पी बना है पिज़्ज़ा हमारा। तो इसको मैं कट कर रही हूँ, मैं नाइफ की हेल्प से ही कट कर रही हूँ इसे। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी प्यारी सी सुंदर सी रेसिपी आपको कैसे लगी। गार्निश कर देते चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो के बगैर तो ये पिज़्ज़ा कंप्लीट नहीं होता हमारा। तो चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो छिड़क देते हैं बढ़िया से और इसको बढ़िया सर्व करेंगे हम। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहे गुरु। और ज़रूर ट्राई कीजिए यम्मी वाला पिज़्ज़ा।